जैसा कि हम जानते हैं कि आज नदियों का जल काफी हद तक प्रदूषित हो चुका है। उनके प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो उद्योगों का जो कचरा होता है या जो प्रदूषित जल होता है वो एक सीवर के माध्यम से नदियों में ही गिरा देते हैं। तो हमने सोचा कि सीवर के माध्यम से जो जल नदियों में जाता है तो सीवर के माध्यम से हम लोग सीवर का जो जल जा रहा है उसके बीच में हम लोगों ने एक तालाब बनाया। तालाब बना के हमने उसमें छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया और उसके ऊपर हमने बालू दिया। बालू को देने के पश्चात हमने सरकंडे का घास, जिसे हम इंग्लिश में एलिफेंट ग्रास और उसका साइंटिफिक नेम फ्रैगामाइटिस करका है, उसको लगाया। वो घास खोखला होता है और उसकी मिनिमम लंबाई 4 से 5 फीट होती है। उसको लगाने के बाद हम लोगों ने जब गंदे पानी को सरकंडे के घास से गुजारा और उससे कुछ देर रहने के बाद जब उसे निकाला, जब उसे बाहर किया तो देखा कि बिल्कुल स्वच्छ जल बाहर था और सारी जो गंदगियाँ थी वो सरकंडे के घास के तालाब में थी। क्योंकि सर हमें जो घास थे पहले तो सबसे पहले हमें तालाब बनाना था, फिर उसके ऊपर घास का ग्रोथ करवाना था, तो घास को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए। इसीलिए सर आगे सर अगर सक्सेस हुआ तो हम लोग इससे सर अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने गवर्नमेंट के पास बोलेंगे इसको बड़े तौर पर करने के लिए, क्योंकि सर अभी तक हमने इसे छोटे तौर पर किया, हमने इसे अभी तक बड़े तौर पर किया नहीं। गवर्नमेंट के अलावा सर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अगर बताने पर उन्हें भी मानना चाहिए कि वे अपने पानी जो पानी को बहाते हैं डायरेक्ट नदी में वहाँ पर वे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यूज़ करें तो वो पानी भी उनका जाएगा नदी में और वो साफ भी जाएगा। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ उसके नदियों के किनारे भी बहुत लोग रहते हैं, उनको तो फ़र्क पड़ता है। सर मुझे तो लगता है उन्हें करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए नहीं पूरे देश के लिए ना। सर अगर प्रोजेक्ट सफल होगा तो उसके बाद कुछ